हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद। अम्मी स्पेशल कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बताने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, इसके लिए हमें आटा चाहिए। इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे और इसे हम रोटियाँ बना लेंगे। इसके हमने चार रोटियाँ बना ली है, जो हम रेगुलर रोटी बनाते हैं वैसे रोटियाँ बना लिए। और ये चाट है, रगड़ा जिसे बोलते हैं, चाट भी बोलते हैं। तो ये हमने बनाया है अभी। और तो हम इसकी ये देखिए, इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये सारा मिक्सचर है रगड़े का, रगड़ा छोले भटूरे जो भी बोलते हैं आप, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं। तो ये जो रोटी हमने बेली है, इसके ऊपर हम टमाटर सॉस लगाएंगे। पहले अच्छे से सॉस लगा लीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्ट आएगा इसका जब ये खाएंगे तो आप। और इसके ऊपर हमने ग्रीन चटनी लगा ली है। टोमेटो सॉस और ग्रीन चटनी का टेस्ट बहुत ही यमी आता है। बहुत ही यूनिक रेसिपी रहेगी, आप ये वीडियो एंड तक देखिए और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। इसे आप फुल मील जैसे खा सकते हो या स्नैक्स भी जैसे अभी खा सकते हो। ये जो हमने रगड़ा बनाया था, ये हम इसे मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर डाल लेंगे रोटी के ऊपर। ये एक लेयर पे हमने टोमेटो सॉस लगाया, ग्रीन चटनी लगाया, इसके ऊपर हमने ये रगड़ा डाला है इसके ऊपर। ये काबुली चने का बनता है रगड़ा, बहुत ही टेस्टी रहता है। इसके ऊपर हमने और एक एक रोटी डाली है। ये अनकुक्ड है रोटी, इसके ऊपर हम फिर से टोमेटो सॉस लगाएंगे और ग्रीन चटनी लगाएंगे। सॉस अच्छे से लगा लिया हम, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम। इसके ऊपर हमने ग्रीन चटनी लगाई है फिर से। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप भी ऐसे ही कीजिए तो आपका भी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा। अच्छे से चारों तरफ लगा लीजिए, पूरी रोटी पे फैल जाना चाहिए ये, अच्छे से लगा लीजिए। अब इसके बाद हम फिर से ये और एक लेयर पे फिर से हम रगड़ा डालेंगे इसके ऊपर। दूसरे स्टेट्स में इसे चाट भी बोलते हैं, थोड़े स्टेट्स में इसे रगड़ा बोलते हैं। ये काबुली चने का बनता है, ये बहुत ही टेस्टी रहता है, पानी पूरी के अंदर भी डलता है ये। तो ये देखिए, इसे भी हम डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये रेसिपी, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही इजी है, कम चीज़ों में बन जाता है, इंस्टेंट बन जाता है, टाइम भी नहीं लगेगा आपका ज़्यादा। इसके ऊपर हमने और एक रोटी लगाई है, इसे अच्छे से पैक कर लीजिए। इसके ऊपर हम फिर से हमने सॉस और ग्रीन चटनी लगाई है और इसके ऊपर फिर से हम ये चाट डाल लेंगे इसके ऊपर से रगड़ा। इसका मिक्सचर भी हम अच्छे से सारा लगा लेंगे रोटी के ऊपर। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाली है ये, और इसके लिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगेंगी आपको, बस दो चार चीज़ों में आपको ये इंस्टेंट बन जाएगा। इसके ऊपर हमने और एक रोटी लगा ली है, इसको भी हमने अच्छे से पैक कर लिया है। ये देखिए, सारे चार लेयर बनाए हैं हमने इसके, चारों को भी अच्छे से सील कर दिया है हमने। अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हो या फिर आप इसे गैस में भी बेक कर सकते हो। एक आप बर्तन रख लीजिए, उसके ऊपर आप नीचे स्टैंड रख के आप इसे बेक कर सकते हो। हमने एक बेकिंग टिन लिया है, उसमें हमने 5 मिनट पेपर लगाया है और इसके ऊपर ये रोटी रख दी है। सबके पास ओवन रहे या नहीं रहे तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, हमने स्टोव के ऊपर एक बर्तन में हमने कोलसा डाला था, उसके ऊपर हमने टिन लगाकर उसमें 5 मिनट पेपर लगाकर ये बेक किया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसके ऊपर हमने मेयोनीज डाला है,
कितना अच्छे से बेक हुआ है हमारा ये रोटी का रोटी पिज़्ज़ा बोल सकते हो आप इसे, रोटी समोसा बोल सकते हो आप इसे, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यमी रहेगा। रोटी पिज़्ज़ा बोलिए, रोटी समोसा बोलिए, आपको जो चाहे वो नाम देख सकते हो आप ये। अगर आपके कोई मन में कोई अच्छा सा नाम है ये डिश का तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही यमी रहेगा। अच्छे से बेक हो चुका है, आप ये देख सकते हो ऊपर से सारा रेड हो चुका है, सारी रोटियाँ अच्छे से पक चुकी है और रगड़ा तो हमारा अंदर से पका हुआ था। इसके ऊपर आप चीज़ डाल सकते हो, आप इसके ऊपर मेयोनीज लगा सकते हो, इसके ऊपर आप फिर से सॉस डाल के भी खा सकते हो। इसे अब हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे या पिज़्ज़ा जैसे कट कर लेंगे हम इसे। बहुत ही यमी टेस्टी रहेगा और पेट भर जाएगा, आप इसका एक भी बाइट लेंगे तो आपका पेट फुल हो जाएगा इससे। ये खाने के बाद आप पिज़्ज़ा खाना भी भूल जाओगे क्योंकि ये इतना अच्छा, इतना टेस्टी, इतना यमी रहता है और घर घर पर ही आपको इजीली बन जाता है। इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये रेसिपी। मेरे चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद अम्मी स्पेशल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। ज़रूर कमेंट करके बताइए आज का इंस्टेंट ईजी रेसिपी आज कैसी लगी आपको। ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा, इंस्टेंट समोसा पिज़्ज़ा बोल सकते हो आप इसे, इंस्टेंट स्टफ्ड पिज़्ज़ा बोल सकते हो आप ये। घर के चीज़ों से हमने बनाया है, बाज़ार से कुछ नहीं मंगाया है इसके लिए। इसको अच्छे से पीसेस कर लीजिए आप, आपको जितने बड़े जितने छोटे चाहिए वैसे कर लीजिए आप पीसेस में, 4 पीसेस या 8 पीसेस भी कर ले सकते हो आप। अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो आप 8 पीसेस कर लीजिए इसमें से या 6 पीसेस कर लीजिए। इसके ऊपर आप और एक्स्ट्रा सॉस भी लगा ले सकते हो खाते वक्त, एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा सॉस, एक्स्ट्रा मेयोनीज़ ये सब लगा ले सकते हो, या ग्रीन चटनी में भी अगेन डिप करके खा सकते हो। बहुत ही यमी रहेगी क्योंकि इसमें ग्रीन चटनी है, सॉस है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर कमेंट करके बताइए आज की रेसिपी कैसी लगी। इंस्टेंट है, यमी है, क्रिस्पी है, टेस्टी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।